पीछे हम सबके प्रेस के लिए समाधान तंदल गया है, मक्का मस्जिद जाने के बाद आएगा। तीन दिन का इहतमाम किया जाता है और ख़ास तौर से हज कमेटी के चेयरमैन मसीउल्लाह खान साहब की सदारत में और उनके तमाम मेम्बरान जो बोर्ड के मेम्बरान हैं सबकी सदारत में ये संदल हो रहा है। ये दरगाह शरीफ ऐसी दरगाह शरीफ है जहाँ पर हर कोई आकर मन्नत करता है। इस तेलंगाना के लिए हमारे आनेबल सीएम साहब ने कई बार यहाँ आकर तेलंगाना की मन्नत की थी और तेलंगाना हासिल भी हुआ है और हम लोग यहाँ के बहुत मोतकिद हैं। दरगाह हुसैन शरीफन पर जो आकर मन्नत करता है वो ज़रूर पूरी होती है और इस दरगाह को इंशाल्लाह इस मरतबा वक्फ बोर्ड के तहत जो जो काम हैं यहाँ पर कराने के बाथरूम्स का है और दूसरे अदर काम हैं वो ज़रूर पूरे किए जाएंगे और तकरीबन काम कम्प्लीट भी हुआ। जो कुछ भी अगर जो ज़ाहरीन आते हैं उनके लिए जो जिस के इंतज़ाम हो वो ज़रूर वक्फ बोर्ड से पूरे किए जाते हैं और जो भी यहाँ का इंतज़ाम में कमी है वो ज़रूर उसे पूरा करते हुए वक्फ बोर्ड चेयरमैन साहब और उनके तमाम जितने मेम्बरान हैं और वक्फ बोर्ड के अहदेदार हमेशा इस दरगाह की खिदमत करते रहते हैं। सबको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ और तमाम हमारे मीडिया के भाई भी आज उर्दू शरीफ पर आए सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं बताया जो भी काम आए बच्चे कुछ इसलिए यहाँ के बाथरूम तो बन चुके हैं, इंशाल्लाह ताला एक अच्छा प्रोजेक्ट बनाया जाएगा।